नीचे गिरा दिया और पैरों में रौंद दिया। अपनी दी हुई माला का ये दशा देख करके दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ और कह दिया कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। और दुर्वासा ऋषि के शाप से इंद्र श्रीहीन हो गए। देवगण ने भगवान से प्रार्थना की समुद्र स्वर्ग पर पुनः देवताओं का शासन हो गया। भगवान की प्रार्थना की तो भगवान ने कहा कि तुम बार बार संतों का अपमान करते हो, गुरुओं का अपमान करते हो, इसी कारण तुम्हारी श्री नष्ट हो जाती है। अब जाओ देवताओं के राजा बलि से समझौता करो और समुद्र मंथन का उद्योग करो। और इस प्रकार बलि से समझौता करके मंदराचल पर्वत को मथानी बनाने के लिए ला रहे थे कि वो रास्ते में ही रह गया, उसके नीचे कितने ही देव और दैत्य दब करके मर गए। तब भगवान आए और गरुड़ पर उस मंदराचल को रख करके और जहां समुद्र मंथन होना था वहां रख दिया और वहां रख करके और अपने स्थान पर चले गए। वासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। देवता लोग फन की तरफ रहे। राक्षसों ने कहा कि ये देवता लोग हमेशा हमें नीचे दिखाना चाहते हैं, हम फन की तरफ रहेंगे। जब राक्षसों ने ऐसा कहा तो देवताओं को पहले से भगवान ने बता दिया था, ठीक है भाई राक्षसों बड़े भाइयों आ जाओ फन की ओर, और राक्षस फन की ओर आ गए। देवता लोग पूंछ की तरफ रहे। और वस्तुतः ये समुद्र मंथन जीवन का ही मंथन होता है। 16वें वर्ष में मन का मनोमंथन चलने लग जाता है और इस समय मंदराचल यानी मन विषय वासना में डूबने लगता है। उस समय भगवान श्री विष्णु की शरण लेनी चाहिए तो वो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने से बच जाता है। और इस प्रकार से मंथन प्रारंभ हुआ। देवता इधर से खींचते पूंछ की तरफ से और दैत्य फण की तरफ से खींचते, और समुद्र की साधारण लहरों की आवाज ही कितनी भयानक होती है, जिसमें अब मंथन हो रहा है तो कैसी आवाजें हुई होगी कल्पना की जा सकती है। मंथन होने लगा। और मंथन के दौरान मंदराचल डूबने लगा। जैसे ही मंदराचल डूबने लगा तो भगवान विष्णु ने कश्यप के रूप में अवतार लिया और मंदराचल के नीचे जाकर के स्थित हो गए। मंदराचल उनके ऊपर आ गया और मंदराचल को आधार दिया। बोलिए कश्यप नारायण भगवान की। और अब पुनः समुद्र मंथन होने लगा है। मंथन से सर्वप्रथम विष निकला, हलाहल त्रिलोकी जलने लगी। देवों ने भोलेनाथ की स्तुति की, हे भगवान ये हलाहल विष से पूरा विश्व जल रहा है, अब क्या करें। और देवों की स्तुति करते हुए कहते हैं, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः, 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 नमः शिवाय शिवाय नमः, शिवाय शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः।
वेगा दिश दिश पर यतो विमर्श दो सर्पद सैयमा प्रति पिता प्रजा दो ध्रुवरंगशेश्वरा अरक्षमाण शरणं सदा शिवम् ओम नमः शिवाय शिवाय नमः 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 चारों दिशाएं हलाहल विश्व जलने लगी तो सारी प्रजा भीत हो गई और सारे देवता भगवान सदा शिव की शरण में गए और कहने लगे कर्पूर गौरव करुणावतारम कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ नमः बड़े प्रेम से कहिए ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र है जो बड़े बड़े कष्टों को दूर कर देता है बड़े प्रेम से जब भी कोई कष्ट हो जब भी कोई तनाव हो ओम नमः शिवाय का जाप कर लें तो सारा विष दूर हो जाता है यहाँ तक कि अगर किसी को काले नाग ने भी डस लिया है तो ओम नमः शिवाय का जाप करेगा तो उसका विष दूर हो जाएगा क्योंकि ये नीलकंठ है बोलिए नीलकंठ भगवान की भवाय देव्याभिमतं मुनीनां आसीनमद्रावपवर्गहेतु तपोजुषाणं स्तुतिभिप्रणे पर्वत पर उमा महेश्वर विराजमान होकर के जगत की रक्षा के लिए तप कर रहे थे वहां जाकर के और देवता लोग कहते हैं देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावना त्राहिन शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाधीशा शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः हे देव हे महादेव हे भूतात्मन हे भूत भावन आपकी शरण में हैं हमारी रक्षा करो और कहते हैं देवता त्वं
त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सत्सत्त्वाव भावना नाना शक्ति विरावातस्त्वमात्मा जगदीश्वर। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। 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 भोलेनाथ की प्रार्थना की गई। भोलेनाथ आशुतोष हैं, शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न हो गए भगवती उमा से परामर्श करके, और उन्होंने कर संपुट में उस विष को लिया और भगवान पी गए और भगवती ने उसको कंठ पर रोक दिया। जो विष को पी ले, जो निंदा को पी ले, जो बुराई को पी ले, वही तो शिव होता है। पी करके नीचे न उतारे न बाहर छोड़े, कंठ में रोक ले, वही नील कंठ होता है। बोलिए नील कंठ भगवान की जय हो। तत कर तली कृत्या व्यापी हाला हलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। नमः शिवाय शिवाय। और जैसे ही भगवान ने विष किया, उनका कंठ नीला पड़ गया और सारा विश्व बोल पड़ा, तस्यापि दर्शयामास स्वीर्य जल कल्मष यच्च कार गले नीलम यच्च साधुर्विभूषण। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। भगवान का कंठ नीला पड़ा तो सारे देवताओं ने कहा, बोलिए नील कंठ भगवान की। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः। बोली नीलकंठ भगवान की। भगवान ने विष पिया, उससे विश्व का कुछ भाग्य नीचे गिरा, उससे सांप बिच्छू आंकड़ा धतूरा आदि आदि जहरीली औषधियां और जहरीले जंतु हुए, और इस प्रकार हलाहल विष का संकट कला, पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। तब कामधेनु गौ प्राप्त हुई, इसे यज्ञकर्ता ऋषि मुनियों को दिया गया। कामधेनु संतोष का ही रूप है। फिर उच्चेश्रवा नाम का घोड़ा निकला। घोड़े को लेने की इच्छा राजा बलि ने प्रकट की, तो ये घोड़ा राजा बलि को दे दिया गया। उच्चेश्रवा कीर्ति का प्रतीक है। जो कीर्ति के चक्कर में पड़ जाता है, जो प्रशंसा के चक्कर में पड़ जाता है, जो बड़ाई करवाने के चक्कर में पड़ जाता है, उसे अमृत नहीं मिल पाता। इसलिए राक्षस कीर्ति के चक्कर में पड़ गए, उच्चेश्रवा उन्होंने ले लिया और उन्हें अमृत ना मिला। अब एरावत हाथी निकला, तो एरावत हाथी निकला तो राक्षसों ने सोचा कि हमने गलती कर दी, घोड़ा लेकर के हाथी लेते तो अच्छा होता। लेकिन हाथी इंद्र ने लिया, एरावत। एरावत सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है, जो ज्ञान का प्रतीक है। सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए, तात्विक दृष्टि होनी चाहिए। इसके बाद अप्सरा
निकली, उसे देवताओं ने ग्रहण किया। पारिजात वृक्ष मिला जो देवों को ही मिला। कौस्तुभ मणि निकली जिसे भगवान ने स्वयं ग्रहण किया। और अब लक्ष्मी जी प्रकट हुई। ततश्चारिर भूत साक्षात् श्री रामा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। इसके पश्चात शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी जी प्रकट हुई और वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। उनकी विद्युत जैसी चमकीली छटा से दिशाएं जगमग हो उठी। देवतियों ने सोचा कि ये लक्ष्मी हमें मिल जाए तो कैसा रहे। लेकिन जो चाहने और मांगने वाला हो उसके पास लक्ष्मी जी नहीं आती। लक्ष्मी जी किसके पास आती है ये अभी आगे पता लगेगा। लक्ष्मी जी उसके पास आती है जिस घर में नारायण का वास हो। लक्ष्मी जी उस घर में आती है जहां नारायण की बढ़िया पूजा होती हो। जहां नारायण की पूजा होती है तो लक्ष्मी जी तो पीछे पीछे अपने आप आती ही है। लेकिन नारायण को छोड़ करके केवल लक्ष्मी जी के पीछे पड़ेंगे तो लक्ष्मी जी आगे आगे और लक्ष्मी के भगत पीछे पीछे। और अगर नारायण के भगत होंगे तो नारायण आगे आगे उसके पीछे भगवान के भगत और भक्तों के पीछे लक्ष्मी जी। इसलिए लक्ष्मी के बजाय नारायण का ध्यान रखना चाहिए। वरमाला लेकर के ऋषि मंडप में गई। ऋषि ज्ञानी और तपस्वी हैं लेकिन क्रोधी हैं। देवगण क्रोधी नहीं है लेकिन कामी हैं। परशुराम जितेंद्रिय तो हैं लेकिन भयंकर क्रोधी हैं, निष्ठुर हैं। मारकंडे सुंदर हैं, दीर्घायु हैं लेकिन वो तो आंखें मूंद करके बैठे हैं। जो मेरी तरफ अभी नहीं देख रहा है बाद में क्या देखेगा। सभी वरों में कुछ ना कुछ दोष देखा। तब भगवान रुद्र को देखा। रुद्र तो मसाणी है, ये अपने काम के नहीं। लेकिन रुद्र के पास में ही नारायण बैठे हुए थे। लक्ष्मी जी ने सोचा यही मेरा ठिकाना है। और लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में माला डाल दी और नारायण ने भी अपने हृदय में लक्ष्मी जी को स्थान दिया। और अब नारायण थे और अब हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और मंथन पूर्ण प्रारंभ हुआ। अब मंथन से मदिरा निकली जो देवतियों को दे दी गई। और अंत में अमृत कलश निकला जिसे देव धन्वंतरी लेकर के प्रकट हुए थे। देवतियों ने घड़ा छीन लिया। देवता लोग भगवान की शरण में गए और भगवान ने कहा कि शक्ति नहीं युक्ति से काम करना पड़ेगा। राक्षसों के पास बहुत समय तक वो कलश रहा अमृत का, लेकिन कोई भी राक्षस एक बूंद तक नहीं पी सका। क्यों? क्योंकि देव और राक्षस प्रवृत्तियों में कुछ फर्क है। क्या फर्क है? एक बार राक्षसों और देवताओं में ये कलह हो गया कि बड़ा कौन। तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ऐसा है, ठीक है, अभी निर्णय करेंगे। एक कक्ष में राक्षसों को बंद कर दिया, दूसरे कक्ष में देवताओं को बंद कर दिया और सभी के हाथों में लकड़ियां बांध दी। ये कोनी से यूं नहीं मुड़ पाए, सीधे के सीधे रहे। और पांच पकवान परोस दिए। अब खाओ कैसे खाते हैं? अब ये हाथ बिना मुड़े खाना है। तो पहले तो राक्षसों के कमरे का दृश्य देखिए। वो गुलाब जामुन उठाते हैं और सीधे फेंकते हैं और उसकी सीध में आते हैं। कभी वो माथे पे गिरता है, कभी पैरों पे गिरता है, कभी सारे कमरे में काट कूट। ये राक्षसी प्रवृत्ति है। क्योंकि हाथ मुड़ नहीं सकता था इसलिए डायरेक्ट मुंह में नहीं और उछाल करके मुंह को उसकी सीध में ले जाते थे। और अब राक्षसों का दृश्य देखिए। राक्षसों का दृश्य ये था। अब देवताओं का दृश्य देखिए। देवता लोगों ने आमने सामने पंक्ति लगाई, आमने सामने देवता बैठ गए।
इस राक्ष इस देवता ने सामने वाले को खिलाया, सामने वाले ने उसको खिलाया, हाथ को मोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, बड़े आनंद से सभी देवताओं ने भोजन किया। ये देव और आसुरी प्रवृत्तियों का फर्क है। देवताओं ने दूसरों को खिलाया इसलिए उनको भी मिल गया, लेकिन असुर तो ये कहता है मैं ही खाऊं, तू क्यों खाए, अमृत मैं ही पीऊं, दूसरे अमृत क्यों पिए, ये सोच करके झगड़ते रहे, झगड़ते रहे। इस प्रकार ए तस्मिनंतरे विष्णु सर्वोपाय विदीश्वर योषिद्रोपमति ददार परमाद्भुतम्। इस प्रकार देवतियों में तू तू मैं हो रही थी कि भगवान ने अत्यंत अद्भुत अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया और उसके नूपुरों की पायजेब की ध्वनि से राक्षसों का ध्यान आकर्षित हुआ। राक्षस सोचने लगे कि ये अप्सरा के घुंघरों की आवाज कहां से आ रही है। ये मोहक ध्वनि चित्ताकर्षक थी। कामासुर देवतियों ने उस सुंदरी को घेर लिया और पूछने लगे, तुम कहां से आई हो, तुम किसकी पुत्री हो, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है, अरे लगता है किसी दूसरे ग्रह से ब्रह्मा ने हमारे लिए ही तुम्हें भेजा है। इस प्रकार से वो कह रहे थे और देवते लोग ललचा गए और वो कहती है कि जिस घर के पुरुष मुझसे प्रेम करते हैं मैं उसी घर में जाती हूँ। इतने में जिस दैत्य के हाथ में कुंभ था अमृत का, उसने कहा कि अगर मैं ये अमृत का घड़ा इसको दे दूंगा तो ये मेरी हो जाएगी। ये सोच करके उसने वो अमृत का घड़ा उस सुंदरी को दे दिया, उस मोहिनी को दे दिया। हमने उद्योग करके ये अमृत का घड़ा प्राप्त किया है, लो इसे तुम लो और हम में बराबर वितरित कर दो। सुंदरी ने कहा, मोहिनी ने कहा कि देखो बुद्धिमान लोग पुंसली स्त्रियों का विश्वास नहीं करते हैं, तुम गलत कर रहे हो। इससे देवतियों का विश्वास और मुखर हो गया और कहने लगे जो भी तुम करोगी वो मंजूर है, देखो एक शर्त में मैं अमृत बांट सकती हूँ। बोले क्या, कि जो मैं करूंगी उसी को तुम सबको सम्मान देना होगा। बोले ठीक है। और सुंदरी ने एक तरफ राक्षसों को बिठा दिया, दूसरी तरफ देवतियों को बिछा दिया और देवतियों को अमृत पिलाने लगी और राक्षसों को केवल मुस्कुराहट। देवतियों को अमृत पिला दिया और राक्षसों की तरफ हंस गई, बस इधर अमृत इधर हंस गई, इधर अमृत इधर हंस गई। और इस तरह से जब चल रहा था तो राक्षसों के मन में उठा पटक होने लगी, ये तो सारा अमृत उधर ही पिला रही है, हमें पागल बना रही है। बात समझे मन की और मोहिनी भगवान ने कहा कि देखो राक्षसों थोड़ा धीरज रखो, अरे ये अमृत है ना नीचे जम गया है, जाड़ा जाड़ा अच्छा अमृत नीचे है, ऊपर तो पतला पतला है, इसलिए पतला पतला राक्षस देवताओं को पिला देती हूँ, फिर जो नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा रहेगा वो राक्षसों को पिलाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन एक राक्षस कुछ जरूरत से ज्यादा ही होशियार था। उसने सोचा कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है और वह सूर्य और चंद्र के बीच में जा बैठा और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, भगवान को यह पता लग गया था कि देवताओं की पंक्ति में राक्षस आ गया है, लेकिन फिर भी उसे अमृत पिलाया। क्यों? क्योंकि पंक्ति भेद करना बहुत बड़ा अपराध है। जिसका नंबर आ रहा है उसका अतिक्रमण करके जिसका नहीं आ रहा है उसका नंबर ले लेना, ये पंक्ति भेद है। पंक्ति में भेदभाव करना ये पंक्ति भेद है और ये ईश्वर के प्रति अपराध माना जाता है। भगवान ऐसा आदर्श उत्पन्न नहीं करना चाहते थे, इसलिए उस राक्षस को भी अमृत पिलाया। जैसे ही अमृत पिलाया, सूर्य ने चंद्र को इशारा किया, चंद्र ने भगवान से कहा, भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र रूपधारी हुए और सुदर्शन चक्र चला दिया और केतु का सिर काट दिया।
लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। एक के बजाय दो राक्षस हो चुके थे, राहु और केतु। अब देखिए ये रूपक हैं। चंद्र ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मन का प्रतिनिधि होता है। मन के रूप में अध्ययन करना होता है तो चंद्र की स्थिति से अध्ययन किया जाता है ज्योतिष में, कुंडली में। और अगर बुद्धि का अध्ययन करना होता है तो सूर्य को लक्ष्य देख करके सूर्य की स्थिति के आधार पर निर्णय किया जाता है इस जातक की बुद्धि कैसी होगी। तो बुद्धि का कारक सूर्य है, मन का कारक चंद्र है, और इन दोनों के बीच में राहु। देखिए कैसा रूप है एक भागवतकार का। जब भी मन और बुद्धि अमृत प्राप्त करने लगती है, अर्थात भगवान की भक्ति का अमृत प्राप्त करने लगती है, तो विषय भोग रूपी राहु बीच में आ जाता है। ये इसका इस रूपक का तात्पर्य है। चंद्र यानी मन और बुद्धि यानी सूर्य, मन और बुद्धि जब जब भगवान के चरणारविंदों में अनुरक्त होगी, जब तक जब जब भगवान के भजनामृत को लेना चाहेंगी, तब तक विषय वासना रूपी राहु आकर के बीच में बैठ जाता है और अमृत लेने से रोकता है। ये इस रूपक का तात्पर्य है। एक दैत्य से दो देते हुए इस प्रकार से फिर देवासुर संग्राम हुआ और इसमें असुरों की पराजय हुई। और इस प्रकार दैत्यों और दानवों दोनों ने बराबर का परिश्रम किया, किंतु देवों को अमृत मिला और दैत्यों को नहीं। इसका अर्थ यही है कि जो भगवान की शरण में रहता है उसी को अमृत मिलता है। कैलाश में नारद जी ने जाकर के शिव जी से कहा कि क्या आपने भगवान के मोहिनी रूप के दर्शन किए। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं चूक गया मैं, अब तक भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं सबके दर्शन किए हैं, मोहिनी रूप के दर्शन न किए। तो फिर जाने लगे भोलेनाथ वैकुंठ में। भगवती ने पूछा, उमा ने पूछा कि भगवान कहाँ जा रहे हो। बोले वैकुंठ में भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो बोले हम भी चलेंगे। तो भगवती सती भी गई साथ में और भगवान भोलेनाथ भी गए। और वहां वैकुंठ में जाकर के नारायण ने कहा कि ओहो भोलेनाथ, आज तो सपरिवार कैसा है, प्रणाम स्वीकार करें, मुझे बुला लिया होता। भोलेनाथ ने कहा जी प्यासा कुएं के पास आता है, हमने सुना है कि आपने मोहिनी का रूप धारण किया है, हम उस मोहिनी रूप के दर्शन करना चाहते हैं। नारायण ने कहा कि भगवान अरे वो तो आवेश अवतार था, समय और परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि वो अवतार धारण करना पड़ा, कोई खास बात नहीं है। भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं, उस दर्शन करना चाहिए। अब तक जितने भी रूप आपने धारण किए सबके मैंने दर्शन किए, मोहिनी रूप के भी दर्शन करवाओ। चलो भोलेनाथ जैसी आपकी इच्छा। ये कहते ही अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए भगवान नारायण। थोड़ी देर में भगवान भोलेनाथ देखते हैं कि झाड़ियों के पीछे से एक तरुणी, एक सुंदरी, ऐसी सुंदरी जैसी सुंदरी आज तक न कभी देखी न सुनी, जीनी सी साड़ी पहने हुए गेंद उछालती हुई निकलती है और उस जीनी सी साड़ी में सब कुछ दिख रहा है। और इस प्रकार से भोलेनाथ ने देखा तो भोलेनाथ पागल हो गए, मोहित हो गए। मोहिनी तो है, मोहित हो गए और उसके पीछे दौड़ पड़े और उनको पकड़ने लगे। और इस प्रकार मोहिनी के मोह में जो भी फंसेगा उसका तेज क्षीण होगा। भोलेनाथ का भी तेज क्षीण हुआ और जहां जहां गिरा वहां पारे सोने और चांदी की खाने हुई। जब भोलेनाथ संयत हुए तो भोले नारायण फिर से प्रकट हुए और इस प्रकार से भगवान की माया को पार करना बड़ा कठिन है, क्योंकि गीता में भी कहा है देवी येषा गुणमयी ममा माया दुरात्यया मामेव
मे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी माया को पार करना बड़ा कठिन है, किंतु जो मेरी शरण में आता है वो उसे अनायास ही पार कर जाता है। भगवान की माया केवल भगवान की शरण में जाकर ही पार किया जा सकता है, अन्य नहीं। और एक बात सोचो, जिन शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, क्या वो नारायण की माया से मोहित हो सकते हैं? वो कभी मोहित नहीं हो सकते। और इस प्रकार से नारायण ने भी इसीलिए कहा आकर के पुनः, कौनु मेति तरें माया विषादास्तद्रते पुमान तांस्तां विसृजन्ति भावान् दुस्तराकृभि। नारायण कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मेरी माया बड़ी अपरंपार है, इसके प्रभाव से अजितेंद्रिय पुरुष तो किसी भी प्रकार छुटकारा पा नहीं सकते, लेकिन मात्र आप ही हैं जिनको ये माया वो मोहित नहीं कर सकती। ये तो आप मेरी माया को प्रशंसा दिलवाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, इसलिए आप धन्य हैं। इस प्रकार से नारायण भगवान का धन्यवाद करते हैं और शिव भगवान मोहिनी रूप में दर्शन करके आनंदित हो जाते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, केशव माधव श्याम हरे, केशव माधव श्याम हरे, हे दाता हरे दीनानाथ हरे, दाता हरे दाता हरे दीनानाथ हरे, दाता हरे दीनानाथ हरे, रघुवर राघव राम हरे, रघुवर राघव राम हरे, हे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे जय हो गोपाल हरे, केशव माधव श्याम हरे, केशव माधव श्याम हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, केशव माधव श्याम हरे, केशव माधव श्याम हरे, जय हो हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, केशव माधव श्याम हरे, केशव माधव श्याम हरे, नारायण हरे विष्णु हरे, नारायण हरे विष्णु हरे, हे नारायण हरे हरे, नारायण हरे विष्णु हरे, रमापति घनश्याम हरे, रमापति घनश्याम हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद
जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद माधव श्याम हरे, केशव माधव श्याम शंकर हरे। हे शिव शंकर हरे, हे उमा हरे शिव शंकर हरे, उमा हरे शिव शंकर हरे, जय जय काशी धाम हरे, जय जय काशी धाम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, केशव माधव श्याम हरे, केशव माधव श्याम हरे, ओ केशव माधव श्याम हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, केशव माधव श्याम हरे, केशव माधव श्याम हरे, दाता हरे दीनानाथ हरे, दाता हरे दीनानाथ हरे, दाता हरे दीनानाथ हरे, दाता हरे दीनानाथ हरे, रघुवर राघव जय हो, रघुवर राघव श्याम हरे, हे गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, केशव माधव श्याम हरे, जय हो। हरी बोल, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, केशव माधव श्याम हरे, केशव माधव श्याम हरे, केशव माधव श्याम हरे, केशव माधव श्याम हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद माधव श्याम हरे, गोविंद माधव श्याम हरे, केशव माधव श्याम हरे। वृंदावन बिहारी लाल की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, वाणी हिरण्यगर्भ भगवान की, त्रिवृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम श्याम श्याम। आज का आनंद अभी आना।